अनलॉक वन में पुलिस लगातार भूमाफियाओं पर कस रही शिकंजा। भूमाफिया बॉबी छाबड़ा के करीबी सनी रवानी और सतवीर सिंह से पुलिस लगातार कर रही है पूछताछ। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर शहर में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई और शहर में रौनक दिखाई देने लगी। वहीं इंदौर पुलिस भी लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसी को लेकर भूमाफिया बॉबी छाबड़ा के करीबी सनी रवानी और सतवीर सिंह को कनाडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस दोनों ही भूमाफियाओं से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पुलिस के हाथ कई कागजात और किस तरह पर जमीनों पर कब्जा करते थे, इसको लेकर दोनों माफियाओं द्वारा पुलिस को अहम जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि भूमाफिया बॉबी छाबड़ा जेल में बंद है और उसके बाद से लगातार पुलिस भूमाफियों पर नकेल कसते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर रही है। सब पुलिस विभाग लगातार भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही में जो बॉबी छाबड़ा के जो खास माने जाते हैं उनको सतवीर छाबड़ा, उनको भी संजय रमान को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उनसे पूछताछ जारी है कनाडा थाने में। सर, किस तरह का अभी तक उनसे सवाल जवाब होने से? जब बॉबी छाबड़ा की अरेस्ट हुई थी उसके बाद से इनकी लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बीच में कोरोना महामारी का जो दौर आया तो उसके अंदर थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई थी, लेकिन अब स्थिति वापस अनुकूल होने के बाद सभी वांटेड जो अपराधी हैं उनकी तलाश की जाकर उनको पकड़ा जा रहा है। उसी कड़ी में संदीप लवानी और सतवीर सिंह को अरेस्ट किया गया थाना कनड़िया में और उनकी गिरफ्तारी ली गई है। उनसे अपराध के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सर, क्या महत्वपूर्ण रहेंगे सर कुछ? इन्वेस्टिगेशन का सारा पार्ट महत्वपूर्ण है। उनसे क्या कागज जब्त होना है, क्या हुआ था, कैसे उनका अपराध करने का तरीका है, ये सब पे उनसे पूछताछ की जा रही है। सर कुछ, एक जो एक गवर्नमेंट सोशल गवर्नमेंट एक संस्था थी जिसको लेकर भी मैं संदीप रमानी मुख्य रूप से उसमें शामिल था, जिसको लेकर काफ़ी विवेचना भी हुई थी पहले से। अब ये अनुसंधान का पार्ट है, अभी अनुसंधान में क्या डेवलपमेंट आता है ये आपको फिर आगे बता पाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल